खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। हाँ, बेल आइकन दबाना ना। करनाल में 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी गिरफ्तार हुआ है। यह पटवारी चकबंदी के नाम पर एक व्यक्ति से पैसा मांग रहा था कि स्टेट विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उससे 5000 रुपए भी बरामद कर लिए। ये शर्म से अपनी नजरें झुकाए खड़ा व्यक्ति पटवारी है और पटवारी बनकर लोगों के काम करने के बदले उनसे लेता था पैसे। जिस काम को करने के लिए सरकार उसे तनख्वाह देती है लेकिन उस तनख्वाह में उसका पेट नहीं भरता, इसलिए ऊपर की मलाई के लिए वो करता था किसानों से रिश्वत की डिमांड। और इस बार भी उसने एक व्यक्ति की ज़मीन के किसी मामले में पैसे की डिमांड की, कुछ पैसे ले लिए और उसके बाद 5000 की और डिमांड की, जिसकी शिकायत आकर व्यक्ति ने स्टेट विजिलेंस को की और इसके बाद स्टेट विजिलेंस की टीम ने पैसे लेते पटवारी को 5000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ लिया। ज़्यादा जानकारी देते हुए डीएसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो सुनील अलड़िया ने बताया कि रिश्वत लेना कानूनी जुर्म है, ऐसे में अब पटवारी जी जेल की हवा खाएंगे क्योंकि दो नंबर की मलाई तो इन्होंने बहुत खा ली है। विजिलेंस की टीम शिकायत मिलने पर आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी। केएनएन मीडिया के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। परमजीत ने की शिकायत इरशाद नाम के व्यक्ति से भी थी जो कि नांगल गांव से है और इस चकबंदी के संबंध में, ज़मीन के संबंध में वो इससे रिश्वत की डिमांड करता कार्य पूरा करने के लिए जी, और बिना काम के पैसे काम नहीं कर रहा था जी। तब उसने हमारे पास आई शिकायत की थी, शिकायत पे कार्रवाई करते हुए हमने इसको तो किसान से की थी, किसान है वो, ज़मीन उसकी ज़मीन थी। और कितने पैसे की डिमांड की थी सर? पहले भी पैसे दिए थे और बाकी और पूरा काम करने के लिए 5000 रुपये और मांग रहा था। और कहाँ पर कार्यरत हैं पटवारी? पटवारी अपने चकबंदी विभाग में है, नागर का इसका कार्य क्षेत्र है और यहाँ पर कश्यप धर्मशाला में इनका ऑफिस। तो क्या मामला दर्ज किया गया सर? 7 PC Act के अंदर इसका मामला दर्ज हो गया और गिरफ्तार कर लिया। तो सर लोगों से बेझक अपने से शिकायत दर्ज करता है, हम उसकी गुप्त रूप से उसके रखे हुए हम उसमें सही कार्रवाई करेंगे। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया था सर इसमें? हाँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमेशा ही होता है जी। तो राजेश कुमार हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट। आपका नाम सर? सुनील।